नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि शेयर बाजार से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। ये एक ऐसी पहल है, ऐसी मुहिम है जिसके जरिए हम चाहते हैं कि आप शेयर बाजार से जुड़े और योजनात्मक तरीके से आगे बढ़ें। इस शो में आपके सवाल हम शामिल करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको हम बता देते हैं, जो कि फ्लैश भी हो रहा है आपके स्क्रीन पर। एक QR कोड जो आप फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं उसे स्कैन कर दीजिए। स्कैन करने के बाद आप सीधा एक व्हाट्सएप नंबर से जो है वो जुड़ जाएंगे और वहाँ पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। और YouTube पर अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ दीजिएगा और आपके सवालों को हम लाइव शो में शामिल भी करते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान गौरव शाह जुड़े हुए हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। और दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले RTT के प्रेस्टीज के हवाले से एक खबर आती हुई, जहाँ पर बायबैक का जो है वो ऐलान किया गया है। 1200 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर इस बायबैक का ऐलान हुआ है। और इतना ही नहीं, टेंडर ऑफर के ज़रिए जो है ये बायबैक किया जाएगा और 200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा कंपनी की तरफ से, हम अगर बायबैक के तौर पर देखें तो। गौरांग एक बार हमारे साथ जुड़ जाएं, संपर्क स्थापित हो जाए तो उनसे हम बातचीत भी करेंगे और बायबैक के मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझेंगे। और इतना ही नहीं, आपको एक बार प्राइस बता दें तो लगभग 1200 रुपये प्रति शेयर पर बायबैक का ऐलान भी होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे ध्वनि पटेल भी हमारी मेहमान जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और गौरांग, टेंडर ऑफर के जरिए जो बायबैक को मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसे आप कैसे समझाएंगे? मैं जाता हूं, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है तो ये सुन नहीं पा रहा हूं कि मैं एक बार दोहरा देती हूं। मैं एक बार, आपको मेरी आवाज़ अब आ रही है तो मैं दोहरा देती हूँ। RTT के प्रेस्टीज के हवाले से खबर आ रही है बायबैक की और टेंडर ऑफर के जरिए इस बायबैक को मंजूरी मिली है और लगभग 1200 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पे बायबैक का ऐलान भी हुआ है। गौरांग, कविता देखिए, पहले तो ये पहली बार नहीं कविता के कोई कंपनी बायबैक को लेकर के आ रही है। इसके पहले TCS, इंफोसिस वगैरह वगैरह काफी कुछ कंपनियों ने बायबैक किया था। तो हमारी ये विचारधारा है, और कंपनी अगर जब भाव आपका 1000 के आसपास चल रहा हो तो आप 1200 में बायबैक लेकर के आते हो, उसका कारण क्या है? कंपनी को स्वयं पता है कि उस कंपनी के शेयर के दाम क्या होने चाहिए, शायद उससे अधिक होने चाहिए। ये एक विचारधारा होती है। और बायबैक में जब आप देते हैं कविता, तो प्रोपोर्शनेटली वो शेयर बायबैक होता है, पूरी पूरी संख्या में वो शेयर बायबैक नहीं होते, क्योंकि फिर जितने शेयर्स डिलीवर होते हैं बायबैक में उसकी एक प्रोपोर्शनेट परसेंटेज में बायबैक होता है, जो चले जाते हैं बायबैक में बाकी संख्या आपके DP अकाउंट में वापस आ जाती है। रियल अभी TT के प्रेस्टीज जैसी कंपनी मेरे ख्याल से अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के काफी बहुचर्चित है बाजार में, और कंपनी का कामकाज काफी सक्षम और मजबूत है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे याद नहीं आ रहा है हमारी कवरेज है कि नहीं, इसलिए विशेष रूप में टपनी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका मन बना है कि मैं लंबी अवधि में TT की प्रेस्टीज में अपना निवेश बना करके रखूंगा, तो फिर ऐसी बायबैक ऑफर को लेकर के आपका मन लुभाना नहीं चाहिए किसी और विचारधारा को लेकर के। शायद इस खबर को लेकर के ऊपरी तरफ के पड़ाव आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि भाव चल रहा है करंट में 1000 के आसपास और बायबैक है 1200 के आसपास, तो शायद छोटी मध्यम अवधि में उछाल आ सकता है इस खबर को लेकर के। लेकिन मैं मानता नहीं हूं कि व्यक्तिगत रूप में आपको किसी तरह का ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे आगे जा करके भविष्य में आपको शायद थोड़ी बहुत ये विचार आए कि क्या हमने सही किया या गलत किया। बायबैक की खबर पर जो कि TT के प्रेस्टीज के हवाले से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दर्शकों के सवालों को भी शो में शामिल करते हैं। और ध्वनि, हमारे YouTube के एक दर्शक है ईशु कुमार, और इन्हें जो है IRFC और IREDA में फिलहाल एंट्री करने के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी कैसी है ये जानना है। किन लेवल्स पर अगर आप रिकमेंड करती हैं खरीदारी तो करेंगी और किस स्टॉप लॉस के साथ? डेफिनेटली IRFC के अंदर यहाँ पे अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग होता हुआ दिख रहा है, बट ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीमेंट इसके अंदर है वो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइड पे होता हुआ दिख रहा है। तो IRFC के अंदर यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक का सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे वो 180 के पास बना हुआ है, तो उन्हें
स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर एंटर करें। और इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा तो यहाँ पे 225 से 230 के लेवल तक इसके अंदर अपसाइड देखने को मिल सकती है, जिसके बाद फर्दर पोजिशनली आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सहायता से इसको कैरी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम एडा के अंदर भी देख रहे हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप ही देखने को मिल रहा है, बट एडा के अंदर यहाँ पे अभी कन्विक्शन जो है वो ज्यादा नहीं बन रहा है, तो एडा के अंदर वेट एंड वॉच कीजिए। स्टॉक जैसे ही यहाँ पे आपको कोई भी डिप दिखा रहा है 240 से 245 के लेवल्स के पास, तो वहां पे फ्रेश एंट्री करने के संकेत बन सकते हैं। तो 240, 245 के पास मिले तो फ्रेश एंट्री कीजिए इरेडा में, ये सलाह आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं मध्य प्रदेश से, हमारे साथ रमेश कुमार जी जुड़े हैं। रमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल डॉक्टर लाल प्याथ लेपे है जी। मैडम मैंने इसको मैंने 2-3 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। पहले जो मैं लिया था, एक लॉट लिया था उसका कुछ अमाउंट 2500 रुपए में, उसके बाद क्या कुछ अपना ये टाटा 1mg आ गया, इसके कुछ कुछ स्टेट ने फ्री कर दिया इसके अपना डायग्नोसिस वगैरह, तो ये रेट काफी नीचे आ गया था। 1800-1900 के आसपास मैंने एवरेज किया, तो 2150 रुपए में मेरा एवरेज है 300 शेयर का, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म से व्यू है। ठीक है। और मैडम अभी ये कुछ अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है कुछ 2-3 उससे क्वार्टर से इसका, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने एक्सपर्ट से कि मैं कुछ अपना इसमें कुछ पार्शियल बुक करूं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए यदि कोई अच्छा हो तो मैं पूरी क्वांटिटी को कंटिन्यू करूं। मैडम ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक ठीक है, काफी क्लैरिटी है आपके सवाल में, ये तो कहना पड़ेगा। और पहले तो मुबारक हो आपको, 2 लाख करीब करीब 3 लाख का मुनाफा भी आपको इस स्टॉक में हो रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सवाल ले लेते हैं आपका, और सवाल ये हम गौरांग जी से लेंगे। गौरांग जी क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, इस वजह से डॉक्टर लाल पैथला पर आप सलाह दीजिए। 2150 ये इनका एवरेज प्राइस आ चुका है, अभी काफ़ी अच्छे मुनाफे में है, तो इन स्तरों पर ये थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि अभी भी बने रहना इस स्टॉक में क्या सही होगा। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि एक समय पर हमारी कवरेज थी यहाँ पर, और हमारे लक्ष्य आने के बाद हमने मुनाफा वसूली की राय दी थी और फिर वो बिकवाली की कवरेज जो थी वो भी निकाल दी थी, तो फिलहाल कवरेज नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं जो राय दे रहा हूँ इनको उससे ये अपने आप कुछ समझे, तो फिलहाल कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पहले कवरेज थी, हमारे लक्ष्य आ गए थे, बिकवाली की राय दी थी और कवरेज निकाल दिए। जो स्तर पर इन्होंने निवेश किया है उस स्तर से जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है, मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा मुनाफा इनको मिल रहा है। अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं कुछ विकल्प इनको बिल्कुल सुझाव दे सकता हूँ। एक कंपनी जिसके कल नतीजा है टाटा मोटर्स, ये चाहे तो वहां पर परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा दिग्गज निजी क्षेत्र की कंपनियां बैंकिंग क्षेत्र में एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये एक और सुझाव हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सीमेंट क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो हमारी राय में दालमिया भारत या फिर रैमको सीमेंट, ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो कुछ विकल्प भी आपको सुझा दिए गए हैं और डॉक्टर लाल पैथलाई पे भी आपको रणनीति बता दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना निर्णय ले सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। गौरांग जी, ध्वनि जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जाने से पहले आप दोनों से एक डिस्क्लोजर लेंगे। ध्वनि, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर आज के लिए? हमने जिन्हीं स्टॉक्स की यहाँ पे डिस्कशन करी है उसमें डेफिनेटली क्लाइंट्स को रेकमेंड किया गया होगा, मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है। ओके गौरांग जी, वैसे तो आप हर सवाल के बाद अपना डिस्क्लेमर देते ही हैं, लेकिन एक क्लोजिंग डिस्क्लेमर आपकी तरफ से, क्लोजिंग कमेंट्स। कानून का मान सम्मान करना पड़ता है पूजा जी, इसलिए हम हर बार दे देते हैं, लेकिन हाँ जो भी राय आपके सामने रखी है वहां पर हमारा निवेश निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे कविता और प्रशांत को दीजिए।